आज का हमारा चर्चा का विषय किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास है। आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रूट फ्लाई या फल मक्खियों के बारे में। यह फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी फलों और सब्जियों को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है। फल और सब्जियों में बहुत सारे दाग लग जाते हैं और इनकी क्वालिटी काफ़ी हद तक गिर जाती है। इसी कारण से उत्पादन की मात्रा में भी भारी कमी आती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिसके कारण किसान भाइयों को अच्छे दाम नहीं मिल पाते। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से फल और कौन कौन से सब्जियां इस फ्रूट फ्लाई और फल मक्खी के कारण प्रभावित होती है और हम इनसे कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रूट फ्लाई ट्रैप के बारे में। फ्रूट फ्लाई मतलब छोटी वाली फ्लाई रहती है जिसको अधिकतर सब्जियों के खेतों में देखा जाता है। सब्जियां कौन कौन सी हो गई आपकी, गिलकी, तुरई, लौकी, कद्दू, उसके बाद में फल जैसे कि तरबूज हो गया आपका, उसके बाद में जैसे कुछ हमारे अमरूद वगैरह के जो हैं, जिसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक रहता है। जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं वो और जो फलों की खेती करते हैं वो दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि फ्रूट फ्लाई जो है वो कितना नुकसान करता है और फ्रूट फ्लाई द्वारा किया गया नुकसान जो है वो आपकी क्वालिटी भी बिगाड़ता है और साथ ही प्रोडक्शन भी। मान लीजिए कि लौकी है कोई, वो छोटी सी लौकी है, उस पर अगर किसी फ्रूट फ्लाई ने आके वहां पर डंक मारा तो वो वहां से निशान पड़ जाएगा और वो निशान फिर आखिरी तक रहेगा, न तो वो वहां से फूलेगी और न बड़ी होगी। मतलब वो जो है एक तरह से वहां पर निशान इतना ज्यादा बन जाएगा कि वो अल्टीमेटली आपकी जो है प्रोडक्शन को भी प्रभावित करेगा और क्वालिटी को भी। तो आज हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि सेटअप कैसा रहता है। तो इसमें जैसा कि ये बॉक्स है, इसको आप देख सकते हैं, बॉक्स के अंदर एक तो आपको डिब्बा मिलता है नॉर्मल जो रहता है, ये छोटा सा आइसक्रीम के डिब्बे जैसा डिब्बा रहता है। बहुत ही अच्छा और हल्का सेटअप है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसकी इफेक्टिवनेस हम अभी देखेंगे, जो रिजल्ट हमारे हैं वो भी देखेंगे। तो ये जैसे बॉक्स हैं, ये बॉक्स आपको एक मिल जाता है इसके अंदर। उसके बाद में आराम से देखते हैं दूसरी चीज जो है, ये ल्यूर है, इसको साधारण भाषा में टिकिया भी कहते हैं। तो इस ये जो है ये ल्यूर है जो कि एक अलग तरह की स्मेल या जो स्पेसिफिक स्मेल रहती है वो छोड़ता है, जिससे कि फ्रूट फ्लाई इसकी तरफ आकर्षित होती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद में इन लोगों ने एक काफ़ी अच्छा सेटअप यहाँ पे वायर जो है आपको बांधने के लिए वो दे रखा है साथ में। तो एक मैंने ये निकाल लिया है। अब बताते हैं कि इसका नॉर्मल सेटअप कैसा होता है। तो ये जो ल्यूर है और ये है डिब्बा, इसके साथ दो छेद हैं, एक इधर और एक इधर। अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग कंपनियां बनाती है लेकिन आपको देखना होगा कि आपके यहाँ कौन सा अवेलेबल है, और दूसरी बात ये कि वो कितना इफेक्टिव है। हमने ये पिछली बार हमारे अमरूद के बाग में इस्तेमाल किया था, काफ़ी इफेक्टिव रहा था। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल सा सेटअप है, ये इसका ढक्कन है, ये है और ये जो है ल्यूर है। तो मैं इस ल्यूर को जो है अनपैक करके इसके अंदर डालूंगा, और इसके साथ जो है ग्लव्स का पैक भी साथ आता है। तो आप जब भी ल्यूर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसमें कि फ्रेगनेंस है, जिसमें कि गंध है विशेष प्रकार की, उनको अगर ग्लव्स से ही छुएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको काटने के लिए कुछ देख लेता हूँ। तो इसको काटने के बाद में आपको इस तरह की टिकिया अंदर निकलेगी। इसको हाथ से नहीं पकड़ना है, मैंने ग्लव्स पहन रखे हैं इसलिए आपको बताने के लिए कि ये इस प्रकार की टिकिया रहती है। इसके अंदर विशेष पदार्थ भरा गया है जिसके अंदर से विशेष गंध निकलती है जो कि फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करती है। इसको इस प्रकार से लगा दिया जाता है और इसके बाद में ये जो तार है इसकी सहायता से इसको टांग दिया जाता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इस तार को इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको कैसे टांगना है। कई बार जो सब्जी वाले बंधु रहते हैं जिनके पास में ऐसी क्यारियों में सब्जी लगी रहती है तार के ऊपर, तो वो लोग ऐसा करते हैं कि उसको यहां से ऐसा कर देते हैं ताकि ये ज्यादा घूमे ना, और उसको ऊपर से अच्छी जगह टांग देते हैं ताकि ये विजिबल रहे। इस प्रकार से टांग देते हैं। जब हम इसको बगीचे में लगाते हैं, हमारे अमरूद के बगीचे में, तो हम लोग इसको एक बांस की सहायता से लगाते हैं। इस प्रकार का बांस लेते हैं और बांस पर आराम से इसको बांध देते हैं। इसके अंदर की गंध है वो फैलती है
तो इसलिए अपने को इसको ज्यादा कुछ विशेष प्रकार से बांधने या लटकाने की आवश्यकता नहीं रहती, आप नॉर्मली इसको बांध सकते हैं इस प्रकार से। जब बांध देते हैं आप इसको, अब ये जो है आपका सेटअप बनकर तैयार है, इस सेटअप को आप जाके लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर ये जो छेद है, यहां से उसकी जो सुगंध बाहर निकलती है, जो विशेष प्रकार की गंध रहती है, उसको सूंघ करके फल मक्खी यहां से अंदर जाती है। यहां से अंदर जाने के बाद में वो उस गंध से आकर्षित होकर वहीं रह जाती है और वापस बाहर नहीं आ पाती, और वो वहीं के वहीं जो है दम तोड़ देती है। और जब आप सीजन के एंड में देखते हैं, या फिर आप दो चार दिन जब इसको लगा रहने देते हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में फल मक्खी जो है वो अंदर मरी हुई दिखाई देती है। तो आपका इतना जो नियंत्रण है, ये बिना किसी केमिकल की सहायता से बहुत अच्छा नियंत्रण हो जाता है। तो चलिए हम लोग एक बार इसका जो पुराना हमारे यहाँ पे जो बाग में लगा हुआ है उसको चल के देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट कैसा क्या रहा था। हम लोग अब आ गए हमने अमरूद के बगीचे में। तो यहाँ पर एक जो पुराना सेटअप लगा हुआ है फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई ट्रैप का, उसको मैं आपको खोल के बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो है किस प्रकार से फल मक्खी जो है वो आकर्षित हुई थी। तो ये देखिए, ये जो है वो रिजल्ट है उसका। ये जो टिकिया आप देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, उस टिकिया के अंदर, उस टिकिया के कारण जो है इतनी फल मक्खी जो है आकर्षित हुई है। ये देखिए काफी ज्यादा मात्रा में। और ये फल मक्खी, अगर एक फल मक्खी 4 से 5 फलों को भी अगर प्रभावित करती है, तो सैकड़ों की संख्या में आपके फल प्रभावित होते हैं। और बिना किसी केमिकल की सहायता से आप इतनी ज्यादा मक्खियों को आकर्षित कर सकते हैं और उनको, उनसे होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं। तो हम लोग इसको अभी बाहर निकाल के देखेंगे कि कैसा क्या है, तो ये आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इसका रिजल्ट कैसे है। ये देखिए, ये जो फल मक्खियां हैं, अगर किसी किसान भाई को फल मक्खी के नाम में, आपके यहाँ पे हो सकता है कि उसको कुछ अलग नाम से जाना जाता हो, तो ये देखिए इस प्रकार की मक्खियों की हम बात कर रहे हैं। इसे फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये काफ़ी कारगर जो है प्रपंच है या ट्रैप है। तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो है, फल मक्खी प्रपंच जिसको कहते हैं हम लोग, ये काफ़ी कारगर है। तो आप इसको अगर बिना केमिकल के आपको फ्रूट फ्लाई कंट्रोल करना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप खेती में होने वाली विभिन्न समस्याओं का हल जानना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए जैविक हल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैविक खेती से संबंधित हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको खेती से संबंधित कोई भी समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम आपकी समस्या का हल लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।